नमस्कार। तो आज यहाँ पे वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो वेदांता लिमिटेड स्टॉक की बात करने के पहले, आप लोग कोई भी स्ट्रैटेजी लर्न करने में इंटरेस्टेड हो तो स्ट्रैटेजी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उस पर जाके आपको अच्छे स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देख लेना। तो बात करते हैं वेदांता की। तो वेदांता शेयर में थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी मोमेंट नजर आ रहे और वीक मोमेंटम देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक 276.80 पे क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया था, 300-290 के ऊपर भी चला गया था, पर यहाँ पे फिर से यहाँ पे जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड के बाद स्टॉक में गिरावट हल्की सी देखने को मिली और फिर से 280 के नीचे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन की बात की जाए, हल्की सी गिरावट हो चुकी थी, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर सस्टेन है, पी रेशो भी बढ़िया है और डिविडेंड यील्ड में तो अच्छी खासी डिविडेंड देता है। लास्ट वन मंथ में देख सकते कि स्टॉक ऊपर की तरफ गया, 300 लेवल पे रेजिस्टेंस लगते ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी और तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि फिर से 280 के नीचे आ चुका है। चार्ट के ऊपर भी नजर डालोगे तो देख सकते कि जो यहाँ पे मोमेंटम देखी जाए वेदांता लिमिटेड की, तो यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके पहले ही स्टॉक में गिरावट, मीन डिविडेंड डिक्लेयर दिन ही यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक में गिरावट हो चुकी थी, 300 के करीबन था, फिर क्लोजिंग भी मिली थी स्टॉक में यहाँ पे 298 समथिंग, तो सॉरी 2300 के करीबन यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी, पर डिविडेंड के दिन 200 मूविंग एवरेज जो है ब्लू कलर के उसके नीचे यहाँ पे गैप डाउन से ओपन हो और गिरावट देखने को मिली थी, फिर 280 को ब्रेक किया, उसी का रेजिस्टेंस पिछले काफी दिनों से ले रहा है और नीचे क्लोजिंग दे चुका है और नीचे जाने के चांसेस है 270 तक, तो क्योंकि 270 सपोर्ट यूज होने, यहाँ पे आप देख सकते काफी बार सपोर्ट भी ले चुका है स्टॉक उस लेवल पे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वेदांता के लिए।